भाई देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ये मत समझना कि खत्म हो गया, पहले भी ऐसे ही हुआ था। और भाई कोरोना को हराने में जो सबसे कारगर साबित हो रहा है वो है विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन प्याज और इस तरह के जो हमारे देसी नुस्खे हैं वो। सो अब तक हम सोचते थे यार विटामिन डी जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जो धूप में बैठना होता है वो बेस्ट है विटामिन डी के लिए, लेकिन नहीं भाई हम गलत थे। जो बेस्ट टाइम है विटामिन डी अब्जॉर्ब करने का सूरज से वो है सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सरावत एंड यू आर वॉचिंग सराव फैमिली ब्लॉग्स। अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं और इसके बाद जाएंगे छत के ऊपर और थोड़ा सा योगा वोगा करेंगे और विटामिन डी भी साथ में अब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि सेहत ठीक रहे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15, सन इज 12:15 और आज वीडियो को थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। Take a chance when the world before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything's wrong. My love is gone, but I've been born. I can make it on my own when I'm alone. My love is. खाने में आज टमाटर प्याज और हरी मिर्च छोंक दिए भाई कोरोना को देखते हुए ताकि सही से खाना खा लें, प्याज ज़्यादा खाएं और दही है रोटी साथ में भाई अपना सैलेड यही बहुत ज़रूरी है। पागल नहीं ना रे, जुकाम हो रहा है तेरे को, जुकाम में डलवा ले। बस हो गया। अभी खा रहे हैं भाई खरबूज और मोनिका काट करके दे रही है, मैं खा रहा हूँ। ओ माँ मम्मी फिर मम्मी को खरबूज दे रही है। खरबूज जा होता है, खरबूज नहीं होता, बोला भी नहीं आ रहा। उस दिन भी आप गिर गए थे, फिर गिरोगे यहाँ से बता रहा हूँ। गिर गई थी, तो हट जा ऐसे पड़ी रहने। बाल खींच दे बहुत तेज। चोरी डैडी, चोरी अब ना लगती है, अब नहीं चोरी। मानू आपने सोरी डैडी। शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी निकल रहा हूँ घर से बाहर। थोड़े से बादाम है हाथ में, सुबह नहीं खाया जिसलिए आप खा रहे हैं। चलो पानी दे दो पेड़ों को अच्छे से, है ना, ये बड़े हो जाते हैं। जैसे आप खाना खाते हो ना ऐसे ये भी खाना खाते हैं। बस और इसमें भी डाल दो, ये भी सूखा हुआ है, इनको भी प्यास लगती है। आपको भी प्यास लगती है ना, फूल में नहीं देते, जड़ में देते हैं। आप मुंह से खाते हो फिर आप टमी में जाता है, ये यहाँ से खाता है खाना जड़ से, फिर इसके फूल में आ जाता है खाना, ये बड़ा हो जाता है। अभी आए भाई मैं और हनी छत पर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन बारिश नहीं आई, बादल हो रहे हैं बहुत अच्छे, बिल्कुल देखो ब्लैक, लेकिन बारिश नहीं आ रही। बारिश क्यों नहीं आ रही है? बादल गरज रहे हैं, बारिश तो आने वाली है ना। छोड़ दूं लड़के को, वेरी गुड। दादा की दुकान से कितनी बार चीज लेकर आई है, तो बहुत बार लाई है ना, अब तो नहीं जाएगी, बिना पैसे के नहीं जाते। पैसे तू दांत गई अपने, देखो इसके दांत, देखो देखो देख कितने सड़ रहे हैं, और दुकान में पहुंच जाती है बार बार, कितनी चीज देंगे वो तेरे को, ऐसी दे देंगे बिना पैसे के बहुत सारी। किसने दी थी? अब कौन था दुकान में? दादी। और दोपहर को किसने दी थी? दादा दे। तो मतलब कभी दादी, कभी दादा, कभी ताऊ, वो समझते ही एक ही बार आई है ये लड़की, बजट दे देते हैं। आस पड़ोस में जितनी शॉप्स है ना वहाँ जाती है, खड़ी होती है और वो उसे टॉफी दे देते हैं, पूरे दिन टॉफी खा रही है। और ये हैं? और ये आज
किसने? हाँ तो मोनिते को सजा दी थी वहाँ पे, हाथ कड़े करके खड़ा किया तेरे को, सजा मिली थी वो। दादा को भी बोलूंगी इसको चीज नहीं देना, दादी को भी बोलूंगी, ताऊ मिलेंगे तो ताऊ को बोल के आऊंगी। अगर हम नहीं आए तो उसके कान पे एक चांटा दे देना, चीज मत देना, ये बोल के आना हमें वहाँ पे। हाँ ये मिर्ची, ये कह देंगे कि हन्नी अगर आए तो उसे मिर्ची खिला दे। हाँ और मिर्ची वाली टॉफी दे देना। हाँ मिर्ची टॉफी उनके पास रखी है, तू वहाँ खाएगी मिर्च लग जाएगी। मेरे क्या मार रही है तू? क्या कर रही है? अगर गिर गई गेट खोलते वक्त तो तेरे को गेट धुआं बता रहा हूँ। वो खुद ही गिर जाएगी, नीचे उतर जा, साइकिल हिल जाएगी, गिर जाएगी। रात के 9 बज रहे हैं भाई, और अभी देख रहे हैं समाचार, और टाइम हो गया खाना खाने का, और रोटी भी आई गई है। खाने में है भाई दाल रोटी और सैलेड। अभी खबर देख रहे थे तो पता लगा पप्पू यादव जो बिहार में पार्टी का अध्यक्ष है का, उसे पकड़ लिया पुलिस ने ना। सो भाई मम्मी पूछ रही थी कि क्यों पकड़ लिया, ये बेचारा बनया था, वो इतनी जल्दी पुलिस लेगी पकड़ के। हाँ वो सरकार से एम्बुलेंस आई थी एमपी के कोटे से, वो एम्बुलेंस कबाड़े में खड़ी थी, उसने वो बता दिया सरकार को कि एम्बुलेंस खड़ी है, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए पकड़वा दिया। मोदी को बुरा लग गया। हाँ तो वहाँ बीजेपी से गवर्नमेंट को वो बात बुरी लग गई, तो उसको एक नॉर्मल सा केस बना के आज गिरफ्तार कर दिया। तो चल रहा है न्यूज़ में ऐसा कुछ, तो फिलहाल खा रहे हैं खाना और आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। डिनर हो गया है और अब ले रहे हैं भाई कोरोना का रामबाण इलाज काढ़ा। अच्छा दो दो दिन से नहीं बना था, आज बना है, तो मैं और मम्मी पी रहे हैं और मोनिका नहीं पी रही, उसको टेस्टी नहीं लगता इसीलिए। मुझे बहुत स्वाद लगता है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों नहीं पी रही? रात में 90% तो आराम हो गया है, बस 10% के आसपास दर्द रहेगा। तो आज काफ़ी दिन बाद एक बार दोबारा से मैं ये जेल है दर्द को हटाने वाला वो लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आराम और हो जाए। आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी सुबह, तो काफ़ी अच्छा रहा आज पूरा दिन, मूवमेंट अच्छी थी हाथ में। क्यों हंसे क्यों नहीं, बहना है हंसने पे। सो व्लॉग हो गया लगभग कंप्लीट, और आज है 12 मई और 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्स डे। सो भाई सभी नर्सेस को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस काल में। मतलब ये एक सदी का वो दौर है जब आप लोगों की वजह से, डॉक्टर्स और नर्स और मेडिकल स्टाफ की वजह से ही देश बचा हुआ है जो बचा हुआ है। अगर आप लोग नहीं होते तो भाई कुछ नहीं हो पाता। सो एक बार फिर से आप सभी को हैट्स ऑफ, और अच्छा लगा यार आप सबको मेरा व्लॉग तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।